पाकिस्तान ने T20 विश्व कप 2021 के लिए जब पहली बार टीम घोषित की थी तो पाकिस्तान ने भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा के पति और स्टार ऑलराउंडर शोएब मलिक को नहीं चुना था। पाकिस्तानी स्क्वाड में मलिक की गैर मौजूदगी पर कई क्रिकेट विशेषज्ञों ने हैरानी जताई थी। हालांकि जिस वक्त विश्व कप टीम में शामिल किए गए शोएब मकसूद के चोटिल होने की खबर आई तो PCB ने मलिक को मुख्य स्क्वाड में जगह दे दी। 22 साल से पाकिस्तान के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेल रहे अनुभवी ऑलराउंडर T20 विश्व कप में छठी बार अपना दमखम दिखाते नजर आएंगे। T20 विश्व कप का आगाज हो चुका है। क्वालिफायर्स के बाद शनिवार से सुपर 12 स्टेज मुकाबले खेले जाएंगे। वहीं पाकिस्तान और भारत रविवार को अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। इस मैच में सानिया मिर्जा के पति शोएब मलिक समेत कई खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर क्रिकेट फैंस की निगाहें हैं। मलिक ने भारत के विरुद्ध वनडे में बल्ले और गेंद से कई बार अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन वो T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टीम इंडिया के खिलाफ बतौर ऑलराउंडर छाप छोड़ने में नाकाम रहे हैं। हालांकि उन्होंने बल्लेबाजी में कमाल दिखाया। शोएब मलिक भारत के सामने T20 क्रिकेट में गेंद से फिसड्डी रहे हैं। उन्होंने क्रिकेट के इस फॉर्मेट में कोई भी विकेट नहीं चटकाया। वहीं मलिक के भारत के खिलाफ बल्ले से प्रदर्शन की बात करें तो इस मामले में सबसे सफल रहे हैं। मलिक टीम इंडिया के विरुद्ध T20 मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले पाकिस्तानी बल्लेबाजों की फेहरिस्त में टॉप पर है। उन्होंने 8 मुकाबलों में 27.33 के औसत और साथ ही 103.79 के स्ट्राइक रेट से 164 रन बनाए हैं। उन्होंने इस दौरान एक अर्धशतक भी जमाया। 39 वर्षीय मलिक ने भारत के खिलाफ पहला T20 मैच साल 2007 के विश्व कप में दौरान खेला था। उन्होंने तब 20 रन की पारी खेली थी। वो इस T20 विश्व कप में पाकिस्तान टीम के कप्तान भी थे। वहीं मलिक आखिरी बार भारतीय टीम के विरुद्ध T20 मैच में साल 2016 में मैदान पर उतरे थे। ये विश्व कप का मुकाबला कोलकाता में हुआ था और पाकिस्तानी ऑलराउंडर ने 22 रन बनाए थे। आपको बता दें, पाकिस्तान की टीम किसी भी विश्व कप में भारत के खिलाफ कोई भी जीत दर्ज नहीं कर पाई है।